हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन क्लास। तो आज की हमारी रेसिपी उन सभी फूड के लिए जिनको स्ट्रीट फूड तो बहुत पसंद है बट उनकी मम्मी अलाउ नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, सूजी ली है आधी कप, नमक लिया है, अजवाइन लिया है और 3 चम्मच रिफाइंड लिया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इन सबको पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करके इसको सॉफ्ट डो बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा एक साथ आप पानी नहीं डालिएगा क्योंकि हमें जो वाटर के जो क्वांटिटी है वो उसके अकॉर्डिंग डालनी है कि कितना क्वांटिटी लगेगा। अगर हम एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि वो डो की जगह घोल बन जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा, ठीक है। तो हमने इसको एक सॉफ्ट डो में रेडी कर लिया है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ढक दिया है। अब तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है धनिया, अदरक और उसमें मैंने डाली है 4 से 5 ग्रीन चिली और ग्रीन भुजिया डाली है 1 चम्मच, दही डाली है 3 चम्मच और इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसमें मैंने अब आधी नींबू निचोड़ के डाल दिया है। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो उसको आप नींबू स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब दूसरी साइड हमने लिया है 1 कप दही, उसमें लिया है 1/2 कप पानी। 1 कप में आप 1/2 कप ही पानी लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और चीनी 5 से 6 चम्मच चीनी लिया है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये जो है खट्टी मीठी वाली दही बन जाए, ठीक है। अब चलिए जो हमने डो रेडी किया था उसको अब हम पूरियां बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट लिया है, उस पर रिफाइंड लेके अच्छे से प्लेट को ग्रीस कर दिया है। उसके बाद मैंने वो जो डो था उसका कुछ पार्ट लेके उसको अच्छे से बेल दिया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला बेलना है, ठीक है। वो इस तरीके से रहे कि जो मोटी ना मोटी रहे ना पतली रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉक की हेल्प से उसमें होल कर दिया है। मैंने होल इसलिए किया है ताकि वो पूरी ना बने, पापड़ी रहे, मतलब वो तेल में जाते ही फूले ना। और मैंने फिर इसको पापड़ी का शेप देने के लिए क्या किया है, एक ऑयल कंटेनर की हेल्प से मैंने उसको सबको एक शेप का काट लिया है। इसके बाद इसको एक अलग से प्लेट में ले लिया। आप चाहे तो उसको वहाँ से डायरेक्टली तल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वरना आप ही को धोने पड़ेंगे। तो हमारी जो पूड़ियाँ हैं मैंने इसी तरीके से सब कर ली, बना ली है। और पहले से ही मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, तो जो पूड़ियाँ थी मैंने बनाई थी उसको मैंने उसमें डाल रिफाइंड में डाल दिया और अच्छे से इसको तल लिया है। दोनों साइड से मीट दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर तलिएगा, जलाइएगा नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारी तल ली है और एक दूसरे प्लेट में रख ली है। उसके बाद मेरे घर में वड़ा थी तो मैंने वड़ा डाल दिया, आपके घर में नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो स्वीटन दही थी हमारी जो मैंने रेडी की थी चीनी और पानी वाले मिक्सचर को, उसको दही को अच्छे से उस पर डाल दिया है। उसमें मैंने बारीक कटे हुए अनियन डाले हैं ताकि टेस्ट अच्छा है। इसमें मैंने इमली की चटनी डाली है। इमली की चटनी मैंने पहले से बनाई हुई थी और अगर आपको भी रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाली है और मैंने कुछ सेव्स डाले हैं और देन मैंने इसमें अनार डाले हैं और मैंने स्प्रिंकल की थी कुछ चाट मसाला और रेड चिली पाउडर। तो जो है हमारा चाट जो है रेडी है। अगर वीडियो तो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर।